हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक रेडी टू वेयर साड़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ एक प्लेन साड़ी ली है। घर पे रखी कोई भी साड़ी का यूज़ आप इसे बनाने में कर सकते हैं। ये साड़ी शिफॉन की है, सेमी शिफॉन है एक्चुअली, और साथ ही मैं इसे डेकोरेट करने के लिए अपनी एक पुरानी कुर्ती का यूज़ करूँगी, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें कुछ पैचेस लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी है। आप चाहें तो कुछ लेसेस भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये पैच है तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। इन सारे पैचेस को मैं इससे अनस्टिच कर लूँगी, देन उसका यूज़ करूँगी। सो हम साड़ी से कटिंग स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी कि मैंने इसे 90 डिग्री पे रखा हुआ है और ये 2 फोल्ड्स हैं और इसकी मेजरमेंट है 44। जैसे कि मैंने पहले की कई वीडियो में कट किया हुआ है, हम 2 सर्कल साड़ी से निकाल लेंगे। 44 इंचज़ के अकॉर्डिंग मैं सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी, और ऐसा सर्कल हमें 2 काटना है ना। इसे हम कट कर लेते हैं। सो ये देखिए, मैंने यहाँ 180 की एक और कट कर ली है। सो हमारे पास 180 की 2 कटिंग है। नाउ हम वेस्ट लाइन की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ मेजरमेंट में 4.5 ले रही हूँ। सो 4.5 में यहाँ मार्क लगा के मैं इसे सर्कल कट कर लूँगी। इस मेजरमेंट से मुझे 28 या 29 के अप्रॉक्स वेस्ट लाइन मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा लें, और या फिर आप कट करने के बाद मेज़र करके देख सकते हैं कि कितना आपका फिट हो रहा है। सो ये रही हमारी कंप्लीट वेस्ट लाइन, जो कि यहाँ 2 फैब्रिक से मिलकर बनी हुई है। एंड ये रही वेस्ट लाइन, इसे आप मेज़र करके देख सकते हैं। नाउ बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। बट यहाँ मैं सिर्फ 2 फोल्ड ही लूँगी, मतलब कि 90 डिग्री के सिर्फ 2 फोल्ड ही हैं। इसकी मेन फैब्रिक जैसे डबल नहीं है, इसलिए इसकी मेज़रमेंट ज़्यादा ले रही हूँ, जो कि 51 है। यहाँ ज़्यादा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये लाइनिंग है और इसे मैं ज़्यादा घेर नहीं रखूँगी, जितना मेन फैब्रिक है उसका आधा है, और इसलिए हमें वेस्ट लाइन इसमें ज़्यादा काटना पड़ेगा इसलिए। सो यू कैन सी कि यहाँ नीचे फैब्रिक थोड़ी कम है, इसलिए मैं यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसे कट करूँगी। इसके लिए आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। आसानी से मेज़र करने के बाद यहाँ फैब्रिक अटैच करके बिल्कुल वैसे ही सर्कल में कट कर लेंगे। नाउ मैं लाइन फैब्रिक की वेस्ट लाइन कट करूँगी, जो कि मैं यहाँ ज़्यादा रख रही हूँ मेन फैब्रिक से। मैंने मेन में रखा था 4.5, इसे मैं थोड़ा ज़्यादा, मतलब 11 रख के कट कर रही हूँ, जिससे वेस्ट लाइन अपनी कवर हो जाए। ये लाइनिंग की कटिंग है। सो आप अपने तरीके से कली शेप या कैसे भी आप इसे कट कर सकते हैं। ये इसकी लाइन फैब्रिक रेडी हो गई है, इसे ओपन कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने अटैच कर लिया है, अब मैं उसे इसके साथ जॉइन करूँगी। बट जॉइन करने से पहले मैं इसके एक साइड में इनविजिबल जिपर ऐड करूँगी, जिससे इसे पहनने में आसानी हो, और इसके रिमेनिंग पार्ट को जॉइंट कर दूँगी। ना हम नीचे के लहंगे को एक बेल्ट से ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ एक फैब्रिक लिया है जो कि 20 इंचेस लंबी है और 9 इंचेस चौड़ी है। ना मैं इसे बीच से फोल्ड कर दूँगी और इसे मैं बीच से अलग कर दूँगी, जिससे आगे पीछे के लिए बेल्ट बन जाए। ना मैं इस बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करके आगे और पीछे दोनों साइड अटैच करूँगी। सो दिस इज़ द लहंगा पार्ट, और इसकी जिप मैंने ऐड कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से इसे ओपन करना है, इसे पहनने में आसानी हो। अब इस बेल्ट को इस तरीके से मैं इसमें अटैच कर लूँगी। इसे अटैच करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिप वाली साइड में इसे ओपन रखेंगे, ताकि इसमें आप डोरी डाल के इसे एडजस्ट कर सकें। एंड मैंने यहाँ इस बेल्ट को पिन की हेल्प से अटैच कर लिया है, इसे इसके बाद स्टिच करेंगे। साइड में यहाँ जिप के ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ थोड़ा स्पेस है, जिसमें आप डोरी डाल के इसे एडजस्ट कर सकें। एंड मैंने इसे स्टिच करके लहंगा रेडी कर लिया है। ये देखिए, इसकी जिप भी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये देखिए लाइनिंग फैब्रिक जो है, इसको मैं सिंपल तरीके से ही स्टिच करूँगी। एंड जो मेन फैब्रिक है, अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसे इवन करके उसे स्टिच करेंगे। और यहाँ स्टिच करने के लिए मैं फिशिंग लाइन यूज़ करूँगी। ये फिशिंग लाइन मीडियम साइज़ की है, इसे मैं इसके नीचे पीकू के साथ ही अटैच करूँगी, जिससे कि इसके नीचे का वाला हिस्सा थोड़ा स्पाइरल तरीके से आए। ये ऑप्शनल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं या सिंपल पिको भी कर सकते हैं। एंड ये लहंगा पोर्शन रेडी है, इसके नीचे मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए, इसमें थोड़ा वॉल्यूम आ गया है इसकी वजह से। जिस कुर्ती की पैचेस मैंने कट किया था
उसी कुर्ते का ये दुपट्टा है और इस दुपट्टे को मैं साड़ी का पल्लू बनाऊंगी। आप चाहें तो अलग से फैब्रिक ले सकते हैं, चाहे तो लेट भी ले सकते हैं। और इस दुपट्टे की मेजरमेंट 2 मीटर है। सो पल्लू अटैच करने के लिए लहंगा वाला पोर्शन लेंगे और जिस साइड जिप है उसकी अपोजिट साइड इस साइड में यहाँ हम पल्लू को ऐड करेंगे। इसके लिए मैं दुपट्टा लूँगी और उसके एक कॉर्नर को, जैसे कि आप लहंगे में पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही, उसके एक कॉर्नर से हम इसे अटैच करेंगे। मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ 3.5 इंचेस ले रही हूँ साइड से और वहाँ मार्क लगा लिया है मैंने। इस दुपट्टे को मैं बिल्कुल कॉर्नर से अटैच नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इसमें अंदर की ओर दबाने के बाद इसे अटैच कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो मिडिल में भी अटैच कर सकते हैं, मैं साइड से अटैच कर रही हूँ। और इसके लिए मैं पिन की हेल्प लूँगी। सो ये वो पैचेज है जो मैंने कुर्ते से अलग किया हुआ है और जहाँ जहाँ जॉइंट है, जहाँ मैंने दुपट्टे को जॉइंट किया है उसे मैं इसी से कवर करूँगी। नाउ मैं दुपट्टे के जॉइंट वाले हिस्से को इस पैच से कवर करूँगी और ये देखिए इसका पल्लू वाला हिस्सा है ये। आपके पास जो पैच अवेलेबल है आप उससे ही कवर कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। नाउ इसकी स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग के लिए आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसे हाथ से अटैच किया है। अब हम साड़ी का आंचल बनाएंगे, जिसके लिए मैं दुपट्टे को सेट कर ले रही हूँ। जैसे कि आप साड़ी का सेट करते हैं पल्लू, बिल्कुल वैसे ही इसे सेट कर लेंगे। बाय द वे, इस व्हाइट ब्लाउज की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ आ रहे आई बटन पर डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी। इसके पल्लू मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ क्योंकि पैचिंग करने के बाद ये फिर से चेंज नहीं हो पाएगा। ये नीचे वाले पैच को भी मैंने अभी अटैच नहीं किया है और इसलिए मैंने इसे साइड में रखा जिससे ये दिख सके। प्लेट्स को मैं शोल्डर पे टेम्प्रेरी पिनअप कर रही हूँ। ये कुछ छोटे पैचेस का यूज़ मैं शोल्डर में प्लेट्स को कवर करने के लिए करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पैचेस को एडजस्ट कर लें, चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और बस इसे स्टिच करना है और ये लहंगा साड़ी कह सकते हैं आप, या इसे रेडी टू वेयर साड़ी भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।